गुणनखंड प्रमेय। यदि x बराबर a बहुपद का एक ऐसा शून्यक है जिसके लिए शेषफल f ऑफ a बराबर 0, तब x माइनस a f ऑफ x का एक गुणनखंड होता है। चलिए हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम उपपत्ति लेंगे। हम जानते हैं कि भाजक भागफल एवं शेषफल के संबंध को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है, क्या है संबंध? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब यदि हम यहां पर प्रमेय को देखें तो हम कह रहे हैं कि f ऑफ x में हमें भाग देना है x माइनस a का, तो भाज्य क्या हुआ? f ऑफ x, भाजक है x माइनस a, भागफल x का कोई दूसरा बहुपद होगा तो उसे हम ले लेते हैं q ऑफ x, और शेषफल भी x का कोई बहुपद होगा इसे ले लेते हैं r ऑफ x। चलिए आगे देखते हैं। शेषफल प्रमेय से हमने देखा था कि यदि किसी बहुपद f ऑफ x को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल f ऑफ a होता है। हम कह सकते हैं कि शेषफल प्रमेय से हमें मालूम है कि यदि f ऑफ x को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल f ऑफ a होता है। तो हमने जो संबंध लिखा है उसमें हम लिख सकते हैं अब यहां पर फिर से कि f ऑफ x बराबर x माइनस a गुणित q ऑफ x, और जो हमने शेषफल r ऑफ x लिया था क्योंकि हमने यह देखा कि जब हम x माइनस a से भाग देते हैं तो शेषफल f ऑफ a मिलता है, तो हम इसके स्थान पर यहां लिख सकते हैं f ऑफ a। ये हमने कहां से निर्णय निकाला है? शेषफल प्रमेय से। चलिए अब गुणनखंड प्रमेय में ये दिया गया है कि शेषफल जो है वो क्या है? शून्य है। तो अब हम इसके स्थान पर रखेंगे शून्य, यानी कि अब यदि शेषफल जो कि हमारे प्रमेय के कथन में कहा गया है कि यदि शेषफल जो है f ऑफ a बराबर शून्य हो जाए तो अब हमें यह संबंध किस प्रकार प्राप्त होगा? f ऑफ x बराबर x माइनस a गुणित q ऑफ x धन f ऑफ a के स्थान पर शून्य, यानी कि हमें मिला f ऑफ x बराबर x माइनस a और q ऑफ x। तो इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि f ऑफ x का x माइनस a जो है वो एक क्या है? गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं स्पष्टता स्पष्टतः x माइनस a f ऑफ x का एक गुणनखंड हुआ। इस प्रकार यह प्रमेय सिद्ध हुआ।
गुणनखंड प्रमेय का विलोम। कथन, यदि x माइनस ए बहुपद f ऑफ x का एक गुणनखंड है तब शेषफल शून्य होता है। चलिए इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। उपपत्ति, चूंकि x माइनस ए बहुपद f ऑफ x का एक गुणनखंड है, अर्थात x बराबर a f ऑफ x का एक शून्यक है, अब चूंकि हमने कहा कि f ऑफ x का x माइनस a जो है वो एक गुणनखंड है, प्रमेय में बताया गया है कि f ऑफ x का एक गुणनखंड जो है वो है x माइनस a, तो हम f ऑफ x को लिख सकते हैं उसके गुणनखंड जो है x माइनस a, और जो उसके अन्य गुणनखंड होंगे वो भी x का ही कोई बहुपद होगा, तो हम उसे ले लेते हैं q ऑफ x। तो इस प्रकार f ऑफ x को लिखा जा सकता है x माइनस a गुणित अन्य बहुपद x का, जिसे हम ले रहे हैं q ऑफ x के रूप में। अब x बराबर a रखने पर इस संबंध में हम f ऑफ x में x के स्थान पर रख दें a, तो मिलेगा f ऑफ a, यहाँ पर x के स्थान पर a, एरिन a, और पुनः q ऑफ a, इसे हल करने पर मिलेगा f ऑफ a बराबर एरिन a, जिससे हमें प्राप्त होगा शून्य, गुणित q ऑफ a, तो हमें क्या मिला, f ऑफ a बराबर शून्य, इससे हमें प्राप्त हुआ f ऑफ a बराबर शून्य, यानी कि जब f ऑफ x का एक गुणनखंड x माइनस a हो तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य। इसे लिख लेते हैं हम स्पष्टतः, x माइनस a बहुपद f ऑफ x का गुणनखंड हो तब शेषफल f ऑफ a शून्य होता है। इस प्रकार यह प्रमेय सिद्ध हुआ। यदि किसी बहुपद के दो गुणनखंड x ऋण a और x ऋण b हो तब f ऑफ x बराबर कोष्टक में x ऋण a गुणित कोष्टक में x ऋण b गुणित q ऑफ x होगा। यदि किसी बहुपद के तीन गुणनखंड x ऋण a, x ऋण b और x ऋण c हो तब f ऑफ x बराबर कोष्टक में x ऋण a गुणित कोष्टक में x ऋण b गुणित कोष्टक में x ऋण c गुणित q ऑफ x होगा। कोई भाजक भाज्य बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं, हम यह भाग किए बिना ही गुणनखंड प्रमेय की मदद से बता सकते हैं। आगे दिए गए उदाहरणों में आप गुणनखंड प्रमेय की उपयोगिता को समझ सकेंगे।